Assalamualaikum स्टूडेंट। सो ये हमारा टॉपिक है, टॉपिक है हमारा 13.5 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, और फिर उसका फार्मूला क्या होता है, यूनिट क्या होता है, और फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स क्या होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स को किसने डिस्कवर किया, इनकी डायरेक्शन क्या होती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पर जाने से पहले एक चीज हम और अगेन थोड़ी सी कर लेते हैं। सपोज हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। अब कोई भी चार्ज होता है उसका एक अपना फील्ड होता है। फॉर एग्जांपल इसको हम यूं ले लेते हैं कि ये मैं अपना अपना हैंड एक्सटेंड करता हूं, ये इस तरह, ठीक है, ये मेरा हाथ एक्सटेंड हुआ है। तो जितना मेरे हाथ की रेंज है, इस रेंज में मैं किसी भी दूसरी चीज को इफेक्ट कर सकता हूं। अगर इस रेंज में एक मार्कर मेरे हाथ में आ रहा है तो मैं मार्कर को पकड़ सकता हूँ। अगर इस रेंज में कोई और ऐसी चीज आती है, मैं उसको उठा सकता हूँ, उसको पकड़ सकता हूँ, उसको हिला सकता हूँ। मतलब मेरे हाथ की रेंज में जो चीज आएगी वो मेरा एक फील्ड है। ये एक सर्कल में होगा इस तरह से, ठीक हो गया। ऐसी एक और एग्जाम्पल है कि सपोज एक स्कूल है, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो स्कूल की चार दीवारी होगी, जो मेन गेट होगा और चार दीवारी होगी, वो स्कूल का फील्ड है। अब उस फील्ड के अंदर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी कोई एक्सटर्नल पर्सन आता है तो वो इफेक्ट हो सकता है। इस तरह घर की चार दीवारी होती है, कोई आउटर, कोई एक्सटर्नल पर्सन घर के अंदर नहीं घुस सकता, अगर घुसेगा तो ऑफकोर्स वो इफेक्ट होगा। तो इस तरह हर ऑब्जेक्ट की, इस तरह चार्ज की बात करें तो चार्ज का एक फील्ड होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये फील्ड कितना होता है, किसी का फील्ड ज्यादा होता है, किसी का फील्ड कम होता है, डिपेंड करता है उस चार्ज की मैग्नीट्यूड पर, उस चार्ज की क्वांटिटी कितनी, 1 कूलम का है, 2 कूलम का है, 500 कितना कूलम का है। तो उसका एक चार्ज होता है, एक फील्ड होता है। और याद रखना है क्योंकि ये वाइट बोर्ड है, 3D में चीज़ नहीं बन सकती, तो ये 2D में शोर है। इनफैक्ट ये स्फेयर में होता है, जिस तरह एक फुटबॉल होता है, टेनिस बॉल होती है, वो स्फेयर होता है। इनफैक्ट ये स्फेयर होता है 3D में होता है, ठीक है। तो इसका एक फील्ड होगा। अब इस फील्ड के अंदर कोई भी, सपोज अगर यहाँ पर एक कोई और चार्ज है, ये एक और चार्ज है Q1 सपोज कर लेते हैं, तो ये Q1 है, ये चूंकि अब इस पॉजिटिव चार्ज के फील्ड से बाहर है, अगर इसके फील्ड से बाहर है तो क्या लगता है, जो पॉजिटिव चार्ज है ये Q1 को इफेक्ट करेगा, नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसके फील्ड से बाहर है। अब अगर ये चार्ज Q1 यहां पर इस फील्ड के अंदर आ जाता है, अब क्या लगता है, जो पॉजिटिव चार्ज है ये Q1 को इफेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, ऑफकोर्स करेगा, क्यों, क्योंकि अब ये जो Q1 चार्ज है ये फील्ड के अंदर आ चुका है। रिपेल हो, अट्रैक्ट हो, वो एक बात की बात है, लेकिन इफेक्ट होगा, ठीक हो गया। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी चार्ज का एक ऐसा रीजन होता है, इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, द रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच इट कैन इफेक्ट टू अदर चार्ज, टू अदर बॉडी कर लेते हैं, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक हो गया। एक चीज और याद रखनी है आपने कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें ना, मैं दोबारा यहां पर बना लेता हूं, अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज भी हो, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो इन चार्ज की जो इस चार्ज का जो फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन होती है। अगर पॉजिटिव है ना तो इसकी जो फील्ड का डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगा, इस तरह से, इस तरह से इसके फील्ड को हम यू डिनोट करते हैं एक लाइनिंग के साथ, इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से। अब इसका मतलब यह है कि जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है, चार्ज से, सोर्स से आउटवर्ड है, और जो नेगेटिव होगा वो इनवर्ड होगा, टूवर्ड द चार्ज होगा, ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपने। तो ये लाइनिंग होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन कहते हैं, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। ओके, अब बात करते हैं, ये तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स की, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही है ना जो हमने अभी डिस्कस किया है,
एक फील्ड होता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को अगर हम डिफाइन करें इसका उर्दू मीनिंग में देखें तो इसका मतलब होता है शिद्दत, शिद्दत ज्यादती किसी चीज की, एक्स्ट्रा हो जाना किसी चीज का, फोर्स लगना किसी चीज पर। ठीक है, तो इंटेंसिटी हम बात करते हैं कि इसी पर आ जाओ वापस। कि ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये Q1 हमने चार्ज इस फील्ड के अंदर रखा हुआ है। अच्छा, एक एक हमारे पास ये है, इसको हमने यू कर लेते, एक हमारे पास Q1 ये है, एक हमारे पास Q2 ये है। अब ये बताएं कि कौन सा चार्ज Q1 या Q2, कौन सा चार्ज ज्यादा फोर्स, ज्यादा इफेक्ट फील करेगा, यानी कि Q1 पर ज्यादा फोर्स लगेगी या Q2 पर ज्यादा फोर्स लगेगी। ऑफ कोर्स उस पर ज्यादा फोर्स लगेगी जो सोर्स के ज्यादा करीब होगा। सोर्स हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो जो चार्ज इस पॉजिटिव के ज्यादा करीब होगा फोर्स उस पर उतनी ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो फोर्स किस पर ज्यादा लगेगी, Q1 पर लगेगी Q2 पर, ऑफ कोर्स Q2 पर लगेगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि कितनी फोर्स लगती है एक यूनिट चार्ज पर, उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, उसको हम बोलेंगे फोर्स एग्जर्टेड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक हो गया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लिखते हैं ई के साथ और ये हमारे पास होगा जो फोर्स लगेगी, फोर्स लगेगी एक खास यूनिट चार्ज पर, उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के मुताबिक, एफ इजिकल टू ई क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम चेंज कर सकते हैं। अब अगर इसके यूनिट की हम बात करें, इसका यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो याद रखें यूनिट हम निकालते हैं फार्मूला से, फार्मूला हमारे पास है ई इजिकल टू एफ बाई क्यू। तो एफ एफ इज अ फोर्स, फोर्स का यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन, और क्यू क्यू इज अ चार्ज, चार्ज का हमारे पास होता है कूलम, इसको हम लिखेंगे न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और न्यूटन पर कूलम हमारे पास यूनिट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक हो गया, तो इस तरह हम इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होती है, तो स्टूडेंट ये वापस आ जाए इस टॉपिक पर जो हमने यहां से स्टार्ट किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इनफैक्ट ये इमेजिनरी लाइन होती है। याद रखो ये इमेजिनरी लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन होती है यानी कि नजर नहीं आती, ये हमने सपोज की होती है। सपोज क्यों करते हैं, क्योंकि हमने चार्ज के फील्ड को डिफाइन करना होता है। अब पॉजिटिव चार्ज है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन कुछ और होती है, नेगेटिव चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन कुछ और होती है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज में आउटवर्ड होती है, नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड होती है। तो ये सिर्फ हमने डायरेक्शन को शो करने के लिए इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती है। एक तो ये इमेजिनरी लाइन होती है, दूसरा एक चीज याद रखना है, देखिए जहां पर लाइंस क्लोज है ये एरिया, यहां पर लाइंस क्लोज है, यहां पर लाइन जो है वो दूर दूर है, तो जहां पर लाइंस क्लोज होती है वहां पर फील्ड स्ट्रांग होता है। तो हम कहते हैं स्ट्रांग फील्ड वेयर लाइंस क्लोजर, जहां पर लाइंस क्लोज होती है वहां पर फील्ड हमारा स्ट्रांग होता है। ठीक हो गया, और फिर हम इसको कह सकते हैं कि लाइंस जेनरेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कि पॉजिटिव चार्ज से लाइंस हमेशा जनरेट होगी, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं जो लाइंस हैं वो स्टार्ट हो रही है पॉजिटिव से और एंड हो रही है नेगेटिव पर। तो लाइंस पहली बात है कि इनकी प्रॉपर्टी, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। इसकी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो होती है वो इमेजिनरी लाइन होती है, ये जहां क्लोज होती है वहां पर फील्ड स्ट्रांग होता है और जहां पर अपार्ट अवे हो जाती है वहां पर फील्ड वीक हो जाता है, और ये जो लाइन होती है ये पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होती है और नेगेटिव पर जाकर एंड होती है। अच्छा, एक और चीज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस किसने डिस्कवर की थी, ये डिस्कवर की थी माइकल फैराडे ने, याद रखना माइकल फैराडे ने,
माइकल फेराडे, ठीक है, ये माइकल फेराडे ने डिस्कवर किया, याद रखना। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसमें हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, उसका यूनिट क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, और हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और माइकल फैराडे ने इसको डिस्कस किया। एक और पॉइंट जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट हमें याद रखना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होती है नेवर क्रॉस ईच अदर, लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, कि लाइन जो होती है वो एक दूसरे को क्रॉस यानी कि इस तरह क्रॉस नहीं कर सकती। कैसे करेंगे, क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में होती है, तो इस तरह ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। ये मोस्टली एमसीक्यू में पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्रॉस ईच अदर, नेवर क्रॉस ईच अदर, टेंजेंट टू ईच अदर, एंड सो ऑन, कुछ और एमसीक्यू होते हैं। तो आपने याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर।